न्यूज हेडलाइंस पावर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी। सेलिब्रेशन पर भारी ओमिक्रॉन पाबंदियों के साथ होगा नए साल का स्वागत। केंद्र की चेतावनी के बाद कई राज्यों ने न्यू ईयर पार्टियों पर लगाई रोक। समाजवादी पार्टी के करीबी कारोबारी के घर मिले 150 करोड़। आईटी टीम ने खोजे अलमारियों में रखे नोटों के बंडल। गिनती के लिए 4 मशीनें कम पड़ी। पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा। देश में कुल 360 केस। पाबंदियों का दौर हो गया शुरू। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यूपी चुनाव टालिए सरकार। कोर्ट की पीएम और चुनाव आयुक्त से अपील। तीसरी लहर रोकने के लिए रैलियों पर लगाए रोक। अमित शाह की सुरक्षा में वुमेन कमांडो। जेड प्लस कैटेगरी वाले वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने तैयार किए स्पेशल फोर्स। बिना हथियार ही खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में 37 दिन बाद फिर नाइट कर्फ्यू। घर में मनाना होगा नए साल का जश्न। दोनों डोज लगवाने वालों के ही थिएटर कोचिंग जिम में एंट्री। इंदौर में एक सप्ताह में कोरोना से दूसरी मौत। 24 घंटे में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एक व्यक्ति की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या में 100 के करीब। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पेच। सरकार की पुनर्विचार याचिका पर अर्जेंट हेयरिंग से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अब 3 जनवरी को होगी सुनवाई। सतना पुलिस ने इनामी बदमाश को रीवा में पकड़ा। सालों से फरार था आरोपी। एमपी और यूपी पुलिस ने मिलकर 65,000 रुपए का इनाम किया था घोषित। मध्य प्रदेश में ठंड से कुछ राहत। दिन के तापमान पर 2 डिग्री तक बढ़ा। अब 27 से बारिश की संभावना।